रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंग को थामेंगे, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। मकर संक्रांति के खास मौके पर NBCN की टीम पहुंची है शासकीय मुलांचे बाल गृह में। आपको बता दें कि माँ फाउंडेशन की ओर से इन बच्चों के साथ पतंग उड़ाई गई। पेश हमारी संवाददाता रूपा पंडित की एक खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, NBCN की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति की इस खास मौके पर यूं तो हर कोई अपने अपने घरों में छतों के ऊपर में पतंग उड़ा रहा है, लेकिन आज NBCN की टीम जहां पहुंची है, मैं आपको बता दूं कि शासकीय मुलांचे वसती गृह में जहां के बच्चे जो हैं, मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगी इन बच्चों का, बिकॉज यहाँ पर जो बहुत से बच्चे हैं जिनके लिए करने के लिए कोई नहीं है, शायद ये यूँ कहा जाए कि यहाँ पर उनके साथ पतंग उड़ाने के लिए और कुछ समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माँ फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है जो इन बच्चों के साथ में जो है वो मकर संक्रांति का पर्व मना रही है। आइए जानते हैं कि इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हुए उन्हें कैसा महसूस कर रही हैं और कितने सालों से वो इस तरह का अच्छा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि माँ फाउंडेशन की ओर से आपने इतना प्यारा यहाँ इन बच्चों के लिए इवेंट का किया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि इन बच्चों को खुशी मिलनी चाहिए, और बड़ी बात यह है कि जो सब लोग अपने फैमिली के साथ मना रहे हैं, इनका कोई नहीं है, तो इनका कोई ना कोई हम आते हैं करते हैं और इनको खुशियां बांटते हैं इनके साथ, और अच्छा लगता है इनके साथ करने में, पतंग उड़ाने में। आपका नाम? मेरा नाम हरप्रीत सिंह भाटिया। मैं कुणाल जवर। हम लोग एक्चुअली मेन बहुत सालों से इवेंट कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ में भी करते हैं और हर साल इवेंट्स होते रहते हैं। मेन मोटिव यही है कि बच्चों को जो है कि खुशी मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं हमारा मेन। ये बताइए आपका नाम? मेरा नाम हरीश रोहनकर। मैं लास्ट 10 ईयर से ग्रुप से जुड़ा हूँ। 10 ईयर से हम यही सेवा कर रहे हैं कि बच्चों को, बस बाकी हमारा मोटिव कुछ नहीं, हमें बच्चों को बस खुशी खुशी हमारा मेन मोटिव है, जो अपन घर में कर पाते हो बच्चे नहीं कर पाते। थैंक यू। मेरा नाम अविनाश भटगर है और मैं माँ NGO से पिछले 3 सालों से जुड़ा हुआ लॉकडाउन के इवेंट से, और जहाँ से देखा है कि हम लोग, हमारा जो पूरा टीम है वो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो हम सारी खुशियाँ घर पे ले सकते हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब लोग अपने घर से सक्षम है और सभी के घर पे सारे प्रोग्राम, सारे त्यौहार, सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बट ये जो बच्चे लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों के साथ में ऐसा कोई भी नहीं आता है जो इनके साथ में सारे फेस्टिवल कर सके। लेकिन हम लोग हर मौके पर ये कोशिश करते हैं कि हम इन सभी बच्चों को हर फेस्टिवल को इंजॉय करा सके, जैसा कि मकर संक्रांति में हम लोग पतंग वगैरह देख करके और पतंग उनके साथ में उड़ा करके इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी काफ़ी खुशी मिलती है और इन बच्चों को जो खुशी इनके चेहरे पे जो खुशी आती है, ये खुशी देख करके जो हम लोगों के अंदर में जो खुशी होती है, जो और मोटिव करता है कि हम लोग ऐसे करते रहे, और हमारी पूरी टीम हर बार इस चीज़ के लिए रेडी रहती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाय, माय नेम इज अमित गुप्ता। इस टीम से मैं साल भर से जुड़ा हूँ। बस इसमें जो खुशियाँ बांटी जाती हैं वो अपने आप में अमेजिंग होती है। इस टीम ने कोविड के वक्त में भी जो राह चलते लोग थे, जिनके पास में खाने पीने के लिए नहीं था, कम से कम 2,000-3,000 लोगों को इन्हें खाना प्रोवाइड किया है। उसके अलावा छोटे मोटे इवेंट्स इस तरह के चलते रहते हैं। मेन फोकस बच्चों की खुशियों पर ज़्यादा होता है इस तरह के बच्चे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने चाइनीज़ चीज़ों का नाम भी नहीं सुना है, उन्हें नूडल्स बोलना नहीं आता जो उन्हें खाने मिला है, तो इस तरह के इवेंट होते रहते हैं, ये काफ़ी खुशी की बात है। दोस्तों मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर उन्हीं बच्चों को रखा जाता है जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं, या तो चाइल्ड लाइन की ओर से इन्हें रखा गया है। तो इन बच्चों के लिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि माँ फाउंडेशन की जितनी भी टीम है, आज वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ भी है, इसलिए है क्योंकि आज इतने बड़े त्यौहार को अपने परिवार के साथ ना मनाते हुए वो यहाँ पर आई है, और इन बच्चों के चेहरों पर जो खुशी जो है साफ तौर पर आप देख रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से है। NBCN न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।